भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा हस्तशिल्पियों के हुनर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंदौर के गांधी हॉल में संस्था एशियन पब्लिक सेवा परिषद के माध्यम से विभिन्न राज्यों की क्राफ्ट बाजार में 100 दुकानें लगाई गई, जिसका उद्देश्य मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही उत्पादन कर कला को बढ़ावा दिया जाए। भारत सरकार द्वारा हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के गांधी हॉल परिसर में संस्था एशियन पब्लिक सेवा परिषद के माध्यम से 10 दिन में 100 दुकानें लगाएंगे। यह दुकानें विभिन्न राज्यों से आए हुए कलाकारों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। कलाकारों के अपने हाथों के हुनर से बनाई गई वस्तुओं को शहर की जनता ने काफी सराहा है। इस मौके पर मॉनिटरिंग करने पहुंची हस्तशिल्पियों की सहायक निदेशक अपर्णा देशमुख का कहना था कि भारत सरकार द्वारा लगातार हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में इस तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं और इन हाथों से बनाई हुई वस्तुओं को बाजार में उपलब्ध कराया जाता है, ताकि इन परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ ही विभिन्न राज्यों से बनने वाली वस्तुएं बाजार में उपलब्ध की जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा इन्हें आने जाने का किराया सहित यहाँ पर रहने तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आज यहाँ पर हमने ये जाँच की है, यहाँ पे जो 100 स्टॉल के लिए इनको सैंक्शन मिला हुआ था संस्था को, तो प्रॉपर 100 स्टॉल लगी है या नहीं है, आर्टिजन में प्रॉपर आए हुए नहीं, उनका डिस्प्ले कैसा है, डेमोन्स्ट्रेशन है या नहीं, ये हमने जांचा है पूरा करके। इसमें टोटल 100 स्टॉल है, पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगह से 100 शिल्पी आए हुए हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये इनको मार्केटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म हम अवेलेबल कराते हैं, ये दुकानें देते हैं, 10 दिन के लिए दुकानें दी जाती है, टोटल फ्री है, इनको आने जाने का किराया मिलता है और पर डे का 300 रुपीज डीए मिलता है। ये जो लगा हुआ है एशियन पब्लिक सेवा परिषद आयोजित भारत सरकार की तौर से लगा हुआ है गांधी शिल्प हॉल, ये यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ के जो एडी मैम है अर्पणा दीक्षित जी और जो सेक्रेटरी सर हिमांशु सर जी हैं और जो जॉइंट सेक्रेटरी समीर जी और वर्किंग कमेटी मेंबर्स हैं जो अमित शर्मा और शुभम दीक्षित जी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। जो हम सब शिल्पी हैं हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा और उनका जो मैनेजमेंट है वो मुझे बहुत पसंद आया है, वो उनका नेचर भी बहुत अच्छा लगा है। इन हस्तशिल्पियों का कहना था कि इस तरह के कार्यों से हमें रोजगार मिलता है और विभिन्न शहरों में लगने वाली इन दुकानों के कारण हमें आर्थिक मदद मिलती है। इंदौर में काफी अच्छी मात्रा में बिक्री होने के कारण शहर की जनता ने उनका काफी सामान इन दुकानों से खरीदा और इसके साथ ही हाथों से बनी इन वस्तुओं की काफी सराहना की। इंदौर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए चंकी बाजपाई की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।